स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन रिगार्डिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। स्टेप बाय स्टेप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। आशा करता हूं आप सभी बातों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज किस रेशो में? 3:2:1। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:2:1 ये आपका रेशो हुआ। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक्स रिटायर होता है, वाई रिटायर होता है और जेड रिटायर होता है। मैंने आपको फर्स्ट केस में क्या समझाया, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और आपको रिमेनिंग पार्टनर्स के एक्वाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ भी गिवन ना हो, तो जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को रिमूव करते चले जाना, आपके रिमेनिंग पार्टनर्स के गेनिंग और न्यू रेशियो ऑटोमेटिकली निकलते चले जाएंगे। समझ रहे हैं? देखिए, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, एक्स रिटायर होता है, तो एक्स के रिटायरमेंट पे उसके शेयर को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, हाथ रख लीजिए। तो वाई और जेड का न्यू पीएसआर कितना निकल के आएगा? वाई और जेड का न्यू पीएसआर निकल के आएगा 2:1। नेक्स्ट केस में आपका कौन रिटायर हो जाता है? वाई। तो वाई के शेयर के ऊपर हाथ रख लीजिए, एक्स और जेड का न्यू रेशो क्या निकल के आएगा? 3:1। नेक्स्ट केस में जेड रिटायर हो जाता है, उसको रिमूव कर दीजिए, तो एक्स और वाई का न्यू रेशियो आपका क्या निकल के आएगा? 3:2। यही आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैं और यही आपके क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो गेनिंग रेशियो भी माने जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। मुझे बोलता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स। ए बी एंड सी ये तीन पार्टनर हैं। रेशियो क्या गिवन है इनका? 1:2, 1:3 एंड 1:6। ठीक है, फिर आपने क्या लिया एलसीएम, कितना बना? 3:2:1 ये आ गया। फिर मुझे बोलता है बी की रिटायरमेंट पर पीएसआर निकालो, तो बी के शेयर को मैंने क्या कर दिया? रिमूव। तो ए और सी का जो न्यू पीएसआर है वो 3:1 कैलकुलेट होगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, पी क्यू आर पार्टनर है, रेशो क्या गिवन है हमें? 1:2, 2:5 एंड 1:10। हमने क्या ले लिया एलसीएम, 2:5 जा 5:2 जा 2:2 जा 5:4:1। ये निकालने के बाद वो मुझे बोलता है पी की रिटायरमेंट पर रेशियो निकालिए, पी के शेयर को रिमूव कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? क्यू और आर का न्यू रेशियो जो निकल कर आया वो निकल के आता है 4:1। ये आपका क्या निकल गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, क्या रेशियो है? ओल्ड रेशियो 5:4:3। बी रिटायर्ड एंड ही शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। ए और सी ने कैसे ले लिया? इक्वली। ए विल गेन, फिर क्या करोगे? सी विल गेन। ए कितना करेगा? कौन गया? बी 4:12 इंटू में 1:2 और 4:12 इंटू में 1:2, तो ये कितना आया? 2/12। ये गेन कर रहा है, 2/12 ये गेन कर रहा है। तो अब आपको क्या निकालना है न्यू रेशियो? मैंने क्या बोला था, न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे? ओल्ड शेयर में आपका गेनिंग पार्ट ऐड कर देना, ये आपका फार्मूला निकलेगा। तो न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग पार्ट। ए का ओल्ड शेयर कितना गिवन है? 5:12 प्लस 2:12, तो कितना आया?
7/12। एज इट इज सी का ओल्ड शेयर कितना गिवन है 3/12 प्लस 2/12 इज इक्वल टू 5/12। 7 + 5 = 12, 12/12 1। इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है हमें, एबीसी पार्टनर है, 5/4/3 का रेशो है, ओल्ड रेशो कितना निकल के आया 5/4/3। फिर बोलता है सी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2 एंड 3:2। तो क्या करोगे आप, ए विल गेन एंड बी विल गेन, कितना शेयर था 3/12 इनटू 3/12 × 3/5 × 2/5 ये आया 9/60 और ये आया 6/60। ये तो हो गया गेन। अब आपको न्यू रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला बता रखा है मैंने, ओल्ड रेशियो में आपका गेनिंग रेशियो ऐड कर दो। ओल्ड रेशियो ए का कितना है, ए का बनता है 5/12 प्लस 9/60। बी का कितना बनता है 4/12 प्लस में 6/60। एलसीएम ले लो 60 × 12 = 60, 25 + 9 = 34/60। ये कितना आ गया 12 × 5 = 60, 6 × 24 प्लस में 5 × 60 = 20 प्लस में 6 = 26/60, 34 + 26 = 17 और 13। 34 + 26 = 60/60। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5th and 6th बिल्कुल सिंपल है, जस्ट लाइक 1st, 2nd, 3rd, 4th। बट क्वेश्चन नंबर 7th आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 7th में आप रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 7/15, 1/3 एंड 1/5। कौन रिटायर होता है, बी, और ए और सी उसके शेयर को कैसे लेते हैं 3:2 में। सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर किसका, ए का, किसका, सी का। ए का एग्जिस्टिंग शेयर कितना बनता है 7/15 और सी का एग्जिस्टिंग शेयर कितना बनता है 1/5। ओके, आफ्टर दैट कौन बी रिटायर हो रहा है और कौन एक्वायर कर रहे हैं ए और सी। तो आप क्या करोगे, ए विल गेन एंड सी विल गेन, किसका शेयर, बी का शेयर। बी का कितना बनता था 1/3। पार्टिकुलर रेशियो के लिए क्या करूं, मल्टीप्लाई 3/5 एंड यहां पे 1/3 इंटू में 2/5। ये बनता है आपका 3/15 और ये बनता है आपका 2/15। क्लियर है। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे इनका न्यू रेशियो निकालने के लिए, मैंने आपको क्या बता रखा है, जो आपका ओल्ड शेयर होगा उस ओल्ड शेयर में आप क्या करेंगे, जो गेनिंग पार्ट होगा उसे ऐड कर देंगे। क्या निकल जाएगा आपका न्यू रेशो, सबसे पहले किसका, तो सबसे पहले किसका, ए का और फिर सी का। ए का ओल्ड शेयर कितना है 7/15, गेन कितना करता है वो 3/15, तो कितना हुआ 10/15। सी का ओल्ड शेयर कितना है 1/5
और गेनिंग पार्ट कितना है, 2/15, एलसीएम लीजिए 15, 5 3 जा 2, 5/15, तो इनका न्यू पीएसआर कितना निकल के आया, 10:5, 10 और 5 15, 15/15 1। उसके बाद मुझे बोलता है इमीडिएटली डी ईच एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4 ऑफ मींस मल्टीप्लाई विच वाज गिवन बाय ए एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। अच्छा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर गिवन बाय ए कितना दे दिया, डी आता है 1/3 के लिए, 1/3 का 1/4 इट मींस 1/12 किसने दे दिया, ए ने। अब आप निकालते हो डी का रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए 1/3 था, 1/12 किसने दे दिया, ए ने, तो कितना बचा, 4-1 3/12, ये कौन देंगे, ए और सी इक्वली देंगे, तो मैंने क्या किया, ए और सी इंटू में 1/2 और इंटू में 1/2, तो क्या किया यहां पे मल्टीप्लाई करके 3/24 एंड 3/24 ये आपने कैलकुलेट कर दिया। ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इनके पार्ट से क्या करोगे माइनस, और जो गेन कर रहा है उसके शेयर में क्या करोगे प्लस। अब आपको न्यू पीएसआर निकालना है, न्यू रेशियो ए का 10/15, उसको काटा तो कितना निकला, 2/3, उसमें से उसने कितना सरेंडर किया, 1/12 और कितना सरेंडर किया, 3/24, ये कितना निकल के आता है, 11/24। फिर बी, आफ्टर दैट किसका, बी का, बी का शेयर कितना था, 1/3, माइनस में कितना सरेंडर किया, 3/24, ये कितना निकल के आता है, 5/24, और सी, सी का कितना था, 1/3, एलसीएम लीजिए 3 8 जा 24, तो इनका न्यू पीएसआर कितना निकल के आया आपका, 11:5:8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, और ये टॉपिक था आपका किसका, रिटायरमेंट के केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करने का। अब हम करने जा रहे हैं रिटायरमेंट के केस में ही गेनिंग रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, अब हम करेंगे गेनिंग रेशो से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। गेनिंग रेशो बता रखा है आपको, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो वो अपने पार्ट को रिमेनिंग पार्टनर्स की फेवर में सरेंडर करता है। जिस भी प्रपोर्शन में रिमेनिंग पार्टनर्स उसके शेयर को एक्वायर करते हैं उसे आप क्या बोलते हो, गेनिंग रेशो। क्या फार्मूला है निकालने का, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो। चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये बोलता है शर्मा वर्मा एंड नीतू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रपोर्शन ऑफ, शर्मा वर्मा एंड नीतू ये पार्टनर्स हैं, क्या रेशो दे रखा है, 1/4, 1/8 और 10/16। मैं इसका क्या लेने जा रहा हूं, एलसीएम, कितना बना 32, तो ये आता है 8, 4 एंड 20, इट मींस 4 2 जा 4 1 जा 4 5 जा, ये इनका रेशो बनता है। फिर मुझे बोलता है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर इफ शर्मा रिटायर। मैंने क्या बोला, जो भी पार्टनर जा रहा है उसके शेयर के ऊपर हाथ रख दो, उसके शेयर को रिमूव कर दो। शर्मा जा रहा है तो शर्मा के शेयर को रिमूव किया, तो वर्मा और नीतू का क्या आया, 1:5।
अगर वर्मा गया क्या आया 2:5 और अगर नीतू गए क्या आया 2:1। ये इनका क्या निकल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन ना हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही आपका क्या माना जाता है गेनिंग रेशो। क्लियर है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या बोलता है वो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 4:3:2। बी रिटायर होता है और ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 5:4। तो न्यू रेशियो इनका कितना निकल के आया 5:4। आपको क्या चाहिए गेनिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो निकालने का, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। निकाल दो ए एंड सी, ए का न्यू रेशियो कितना है 5:9 माइनस में ओल्ड कितना है 4:9 1:9, सी का 4:9 माइनस में 2:9 इज इक्वल टू 2:9, 1+ में 2 3:9। टोटल गेन कितना कर रहे हैं वो 3:9। गेन इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए सैक्रिफाइस, कितना है उसका पार्ट 3:9। इसका मतलब सैक्रिफाइस इज इक्वल टू गेन है। मेरा आंसर करेक्ट है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ये बोलता है ए बी सी डी आर पार्टनर्स, क्या रेशो है 1:3, 1:6, 1:3, 1:6। इट मीन्स 2:1:2:1। सी रिटायर हो गया, ए बी डी कैसे बांटते हैं इक्वली 1:1:1। न्यू माइनस ओल्ड कर देना बिल्कुल सेम जस्ट लाइक दैट। क्या निकल जाएगा आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11th, मधु सुरभि एंड निखिल आर पार्टनर्स विदाउट एनी पार्टनरशिप डेट। मधु रिटायर्स, कैलकुलेट फ्यूचर रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ दे एग्रीड टू एक्वायर हर शेयर इन रेशियो ऑफ 5:3। और सेकंड में क्या बोलता है इक्वली। सबसे पहले इनका ओल्ड रेशियो कुछ भी गिवन नहीं है तो मैं क्या मानता हूं इक्वल 1:1:1। मधु रिटायर होती है, कैलकुलेट फ्यूचर रेशियो, वो बोलते हैं कि वो एक्वायर करेंगे उसके शेयर को 5:3 में। तो आप क्या बोलोगे, सुरभि विल गेन और आफ्टर दैट निखिल विल गेन। वो दोनों किस प्रपोर्शन में एक्वायर कर रहे हैं 5:8 and 3:8, 5:24 and 3:24। फॉर्मूला क्या था, ओल्ड शेयर में गेनिंग पार्ट ऐड कर दो क्या निकल जाएगा आपका न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है 1:3, गेन कितना किया 5:24, एलसीएम लो 24, 3 8 जा 13:24। बी का कितना है 1:3 + 3:24, 24 8 + 3 11:24। तो इनका न्यू रेशियो कितना निकल के आता है 13:11। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या बोलता है वो, सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, सुरभि विल गेन एंड निखिल विल गेन। क्या बोलता है 1:3 × 1:2, 1:3 × 1:2, 1:6 or 1:6। न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ओल्ड शेयर प्लस में गेनिंग पार्ट करो। ओल्ड शेयर कितना था 1:3 + 1:6, 3 6 = 9:18। उसका भी सिमिलर कितना आएगा 9:18। तो रेशियो कितना निकल के आया 9:9, इट मीन्स 1:1। क्वेश्चन नंबर 14th अब हम करने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14th, क्वेश्चन नंबर 14th देखिए स्टूडेंट्स। ऑन 1 January 2008 उदय एंड कौशल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹7 lakh and 3 lakh रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड गोविंद एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 January 2010। गोविंद ब्रॉट 10 lakh एज कैपिटल।
एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन पार्टनर इज 3:2:5. ऑन 1st January 2012, अनदर न्यू पार्टनर हरि वॉज एडमिटेड विद ए कैपिटल ऑफ 8 lakh फॉर 1/10 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम उदय कौशल एंड गोविंद. ऑन 1st April 2014 गोविंद डाइड एंड ही शेयर वॉज टेकन ओवर बाय उदय एंड हरि इक्वली. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल ऑन गोविंद एडमिशन. तो पहले केस में आप क्या कैलकुलेट करने जा रहे हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस किस का, उदय का और कौशल का. उदय का ओल्ड रेशियो कितना था, कुछ भी गिवन नहीं है, इक्वल 1/2 1/2. ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. न्यू रेशियो कितना बनता है 3/10, कितना बनता है 2/10. एलसीएम लो 10, 5 - 3 2/10, 10, 5 - 2 3/10. तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा 2:3. फिर बोलता है न्यू पीएसआर कैलकुलेट करो किसके एडमिशन पर, हरि के एडमिशन पर. ओके, तो अब आपने सेकंड केस में न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये बोलता है आपका जो हरि है वो 1/10 के लिए आया था. हरि का शेयर कितना था 1/10, वो इक्वली ले रहा था तीनों से 1/3 1/3 1/3 इनटू में 1/10 1/10 1/10 कितना आया 1/30 इसने दिया, 1/30 इसने दिया, 1/30 इसने दिया. तो जो दे रहे हैं उसके शेयर में माइनस कर देना, जो ले रहा है उसके शेयर में ऐड कर देना. सबसे पहले कौन है उदय, उसके बाद कौन है कौशल, उसके बाद गोविंद और आफ्टर दैट हरि. उदय का शेयर कितना बता रहे थे आप, उदय का शेयर बता रहे थे आप, उदय का शेयर कितना बता रहे थे 3/10, कौशल का 2/10, गोविंद का 5/10, माइनस में 1/30, माइनस में 1/30, माइनस में 1/30. और हरि ने क्या किया था, एक्वायर 1/30 + 1/30 + 1/30. एलसीएम लो 30, 10 3 जा 3 3 जा 9 8/30, 10 3 जा 3 2 जा 5/30, 10 3 जा 5 3 जा 14/30. और इसका कितना निकलता है 3/30. तो उसके एडमिशन पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आया 8 5 14 3. 8 और 5 13 13 और 14 27 27 और 3 30 30/30 1. सही चल रहे हैं यहां तक भी. आगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय कौशल एंड हरि ऑन गोविंद डेथ. किसकी डेथ हो गई, गोविंद की. गोविंद की डेथ के बाद ये बोल रहे थे कि उनके शेयर को उदय और हरि ने लिया है इक्वली. गोविंद का शेयर कितना बनता है 14/30, कितना बनता है 14/30, उसको इक्वली ले लिया 1/2 और 1/2 में. किसने लिया, उदय और हरि ने. 1/2 × 14/30 1/2 × 14/30 ये आया 14/60 और ये आया 14/60. तो जो रिसीव कर रहे हैं उनके पार्ट में क्या कर दोगे आप, ऐड. उदय के पार्ट में क्या कर दिया जाएगा, ऐड. और कौशल का पार्ट क्या रखेंगे आप, सेम. और हरि के पार्ट में भी क्या कर देंगे, ऐड. कितना था उदय का पार्ट, कितना था 8/30 + 14/60. एलसीएम लीजिए 16 + 14 कितना आया 30/60. कौशल का सेम रखिए, कितना था 5/30. एलसीएम लीजिए 10/60 और हरि का कितना था 3 बाय
30 प्लस में 14 बाय 60 कितना आया, 32 जा 3 2 जा 20 बाय 60, 30 प्लस 10 40, 40 और 20 60, 60 बटे 60 ए, तो इनका न्यू पीएसआर निकलता है 30 10 20 काटिए 3 2 1, इट मींस आपके गोविंद की डेथ पे आपका न्यू पीएसआर इन तीनों का निकलता है 3 2 1 का, क्लियर है। तो इस तरह हमने सैक्रिफाइजिंग रेशो भी सीखा, हमने न्यू रेशो भी सीखा और डेथ के बाद न्यू रेशो भी सीखा, हमने एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ तीनों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, जो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ।